मोटू और पतलू फिर से फंस गए एक नए संघर्ष में। इस बार उन्होंने एक जंगल में चुड़ैल की कहानी सुनी थी जो वहां बसती थी। एक दिन मोटू और पतलू ने जंगल की गहराइयों में खो जाने का निर्णय किया। वह बहुत देर से चल रहे थे जब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वहां एक रहस्यमयी चुड़ैल बसी थी। चुड़ैल का नाम था कालीनी। वह बहुत ही शातिर और डरावनी थी। मोटू पतलू ने उससे मिलकर उससे बात करने का निर्णय किया। कालीनी ने कहा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है। मोटू ने हंसते हुए कहा, हम यहां के मेहमान हैं दोस्त, हम तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं देख सकते। पतलू ने चुड़ैल से दोस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन कालीनी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जादूगरी से मोटू पतलू को उलझा दिया। मोटू ने अपनी बड़ी दिमागी सोच का इस्तेमाल करके चुड़ैल का बुरा भला करने का प्रयास किया। उसने एक तरफ से चुड़ैल को हंसते हुए करने के लिए मनाया और दूसरी तरफ से पतलू ने उसके साथ दोस्ती की। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना गुस्सा खो दिया और वह तीनों मित्र बन गए। वह एक साथ मस्ती करने लगे और जंगल में हर किसी के साथ शांति बनी रही। इस कहानी से सीख, दोस्ती और समझदारी से हम किसी भी स्थिति को सुलझा सकते हैं। डर को पार करने के लिए जब तक हम साथी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को और अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।